Hi friends, wish you a very very happy new year to you all. मित्रों, यह जो वर्ष है आपके लिए सफलता, सुख समृद्धि और शांति का वाहक बने, इस कामना के साथ हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के क्रम में तार्किक ज्ञान से आज का जो चैप्टर रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट और लेटर सीरीज, जिसको कि आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक्चुअल में कोडिंग करना एक तरीका है जिससे सेंडर किसी मैसेज को किसी भाषा में कन्वर्ट करके भेजता है और रिसीवर से डिकोड करके फिर समझ जाता है कि मैसेज क्या है। और ऐसा करने का उद्देश्य होता है कि हम इसे गुप्त रखें ताकि कोई तीसरा व्यक्ति समझ ना सके। अगर आप परीक्षाओं में आ रहे प्रश्नों पर ध्यान दें, उनके पैटर्न पर, तो आप पाएंगे कि यह निम्न चार रूपों में ज़्यादा आता रहा है। पहला, या तो उसे अक्षर में कोडेट किया जाता है, या किसी संकेत में, या संख्याओं में, या शब्दों के रूप में। तो आते हैं इसे क्रमशः, इसको हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें भी हम देख लें। ज़्यादातर कोडिंग जो होता है अल्फ़ाबेट्स के रूप में होता है, और इसको समझने के लिए आपको ये ए से जेड तक या जेड से ए तक अक्षरों का जो क्रम है उसे आपको जानना पड़ेगा। इसे हम स्थानीय मान भी कहते हैं, इसे हम आगे बताएंगे भी। अक्षरों में ही कन्वर्ट करने का एक और तरीका है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत अक्षर युग्म, इसे भी आप समझ सकते हैं और आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरह विपरीत अक्षर युग्म होते हैं, इस तरह भी कन्वर्ट किए जाते हैं, जिसको आप आसानी से समझ जाएंगे। वास्तव में कोडिंग डिकोडिंग के जो ये चैप्टर या लॉजिक से ही आप समझ सकते हैं, जो भी इसका चैप्टर है काफ़ी वेस्ट इसका कवर करता है विषय वस्तु, जिसको कि किसी तरह से सीमांकन करना कठिन है। तो उसको आप हल करने के लिए आवश्यकता अनुसार आरेख, रेखा, रेखाचित्र आदि की मदद ले सकते हैं, बशर्ते कि समय सीमा में काम आपका हो जाए। और अंग्रेजी वर्णमाला के लिए एक जरूरी बात यह है कि जेड के बाद ए आता है। जो आप काउंटिंग करेंगे उसमें उसका अक्षर देखेंगे तो आप देखेंगे जेड के बाद ए पड़ता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अभी हमने चर्चा किया है कि मानसिक योग्यता या तार्किक ज्ञान का जो विषय वस्तु होता है, इसको सीमाबद्ध या वर्गीकृत कर पाना बहुत कठिन है। फिर भी हम इसे कुछ बिंदुओं के आधार पर विश्लेषण करेंगे और लास्ट में तो आप अपना स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्रश्न ज़्यादा अगर क्लिष्ट होंगे तो अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करें वहाँ पे। फिर भी प्रयास मान रहेगा, जहाँ तक संभव आपको हर तरह की मदद दी जाए। सबसे ज़रूरी है कि आप प्रश्न को भली बात पढ़ लें पहले एक बार, और कोशिश करें कि ये कौन सा पैटर्न या सिक्वेंस पर आधारित है उसे आप पहले निकालें। अगर बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आसानी रहती है उसमें, क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा लिखित होनी है, इसलिए इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी कठिन नहीं है, मेहनत करें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। हाँ, तो ये आपको अंग्रेजी वर्णमाला का स्थानीय मान, जो कि हमने पिछले चर्चा किया है, उसका एक चार्ट आपके सामने पेश है। इसे ठीक से दिमाग में बैठा लें, याद कर लें, बहुत काम की चीज़ है। 26 अक्षर, कौन अक्षर किस क्रम पे आता है। हालांकि शुरू के अक्षर तो आपको और अंत वाले आसानी से याद हो जाएंगे, मगर बीच का अक्सर हम कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो ठीक से इसको देखें और याद कर लें। अब आता है अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, यानी कि जेड से ए की तरफ। इसको ए को 26 मान के बनाया गया है, 26, 25, C, 24 से करते हुए जेड यहाँ पर एक आता है। इसको भी आप अपने जहन में बैठा लें, ठीक से अच्छी तरह याद कर लें, लिख के कागज़ पर बार बार लिखें तो अपने आप याद हो जाएगा। अब बारी आती है विपरीत अक्षर युग्म की। अंग्रेजी वर्णमाला के वे दो अक्षर जिनके स्थानीय मानों का योग 27 हो, तो वे दोनों अक्षर आपस में विपरीत अक्षर युग्म होते हैं। जैसे ए और जेड, ए का स्थानीय मान 1 और जेड का 26 है, दोनों का अंकों का योग 27 होगा, यानी ए और जेड आपस में विपरीत अक्षर युग्म हैं। इसी प्रकार 26 अक्षरों के 13 विपरीत अक्षर युग्म बनेंगे,
जो इस प्रकार आपके सामने है। ये ए से शुरू होता है, ये लेफ्ट साइड का है, ए बी सी डी करते हुए लेफ्ट साइड में ई एफ जी एच और आई जे के एल यम तक, जो कि 13 है, 13 तक पहुंच रहा है। और ठीक वहीं से विपरीत उलट जाता है, जो राइट साइड में बढ़ते हुए यहाँ जेड तक पहुंचता है। तो ये विपरीत अक्षर किसके विपरीत अक्षर कौन होंगे, इसको भी ठीक से आप याद कर लें, समझ लें। उदाहरण के तौर पे आपके सामने हम कुछ परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों से सिलेक्टेड प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं और उनको हल करके भी दिखा रहे हैं कैसे है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 पे नजर डालें। टिम्बर को एक कूट भाषा में परमिट लिखा जाए तो उस कूट भाषा में बैंटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। चार विकल्प आपके सामने हैं, क्वेश्चन ध्यान से समझें। टिम्बर को बर्मिट लिखा जाए तो बैंटर बी एन टी आर को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा, आइए इसका हल देख लें। यहाँ आप देख सकते हैं टी आई एम बी ई आर, यहाँ जो लास्ट में बी ई आर है इसको सेम रखते हुए इसको ऊपर कर दिया गया है प्रारंभ में, यानी अंतिम को प्रारंभ में रखा गया है और टी आई एम को क्रम बदल के एम आई टी कर दिया गया है। इसी प्रकार अगर ये सीक्वेंस बना रहा तो बी ए एन टी आर के लिए टी आर सेम टू सेम ऊपर चला जाएगा और बी ए एन क्रम बदल के एन ए बी आ जाएगा, यानी इसका आंसर टी ई आर एन ए बी, यानी टर्नेब होगा जो कि विकल्प बी सही है, यानी विकल्प बी आपका सही है। अब आते हैं प्रश्न 35 की तरफ। यूनिवर्सिटी को एक कूट भाषा में 127394875 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में ट्रस्टी को किस प्रकार लिखा जाएगा, आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जा रहा है। यहाँ यूनिवर्सिटी को यू को 1, एन को 2, आई को 7, बी को 3, ई को 9, आर को 4, यस को 8 और आई को फिर 7, टी को 5 और वाई को 6 बताया गया है। इसे हम ट्रस्ट को उसी क्रम में, जिसका जो अक्षर का जो नंबर है ट्रस्ट में भी वही वह सेम आ जाएगा, जैसे वाई है वाई 6 है, यहाँ वाई अब 6 रखा गया है, टी दोनों टी जो है 5 है और बीच में आर 4 यू आई और यस 8 है, इसको ऐसे क्रम में रखने पर जो आपका बनेगा वो 5 4 1 8 5 6, यानी सी सही होगा। यानी आंसर आपका सी सही होगा। अगला इसका प्रश्न है 52। इफ रेड इज कोडेड एज 360 देन ग्रीन कैन बी कोडेड एज, चार विकल्प है, देखिए कौन सही होगा, पहले इसे हल कर लेते हैं। यह जो सवाल है अल्फाबेट के स्थानीय मान पर आधारित है, आर का 18, ई का 5 और डी का 4 हुआ। इसे आप देखें कि आपस में तीनों को गुणा करने पर 360 आता है, ठीक ऐसा ही ग्रीन को भी हम, ग्रीन का भी हम स्थानीय मान ज्ञात करेंगे और जो है 7 18 5 5 14 आता है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 44100 आएगा, जो कि आंसर ये सही है। तो देखिए स्थानीय मान भी काम की चीज़ है, उस पर आधारित ये प्रश्न है। इसके अलावा ये कुछ और हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज का ये जो प्रश्न है, पहला प्रश्न, ये इस पेज के प्रश्न कह सकते हैं, ये सब अक्षर जो लेटर सीरीज है उस पर आधारित हैं, देख सकते हैं। पहला प्रश्न पी एल ए एन ई प्लेन, पी एल ए आई एन प्लेन, पी एल एस ई प्लेस और पी ए आर पी एल ए वाई ई आर प्लेयर,
इन शब्दों को शब्दकोश के अनुसार सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? इसका शब्दकोश के अनुसार सजाने पर ये क्रम बनता है, प्लेयर्स प्लेन प्लेन प्लेयर, तो पी एल ए एन ई जो होगा तीसरे स्थान पे आएगा। और हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा? हम पहले भी सीट पर लिख देंगे, आप देख सकते हैं जेड से अगर चले तो 11वां अक्षर जो होगा वो पी आएगा, और पी से तीसरा अक्षर ओ एन यम। यानी यम इसका आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, के एम आई एन पी यू पी शब्दों से निर्मित सब्जी के नाम का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? इन अक्षरों से मिलकर जो बनता है सब्जी का नाम वो पंपकिन है, और पंपकिन में तीसरा अक्षर यम आएगा। यह चौथा प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को वी यू आर ओ लिखा जाता है तो उसी भाषा में डेथ को कैसे लिखा जाएगा? ये विपरीत अक्षर युग्म पे आधारित प्रश्न है। एल आई एफ ई एक क्रम से रखते हैं इसको, वी यू आर ओ अलग में, तो आप देखें कि यल का विपरीत युग्म ओ जो कि उल्टा क्रम में है, ओ फिर आर यू और वी आते हैं जो एल आई एफ ई के हर वर्ड के विपरीत अक्षर हैं। ऐसे ही अगर इसको सजाएं हम डेथ को तो आप पाएंगे कि इनका विपरीत जो क्रम बनता है ठीक उसी तरह यस जी जेड भी और डब्लू, एंड डी का डब्लू ई का भी ए का जेड और टी का जी और एच का यस जो कि विपरीत अक्षर युग्म है। इस आधार पर इसका आंसर जो होगा यस जी जेड भी डब्लू होगा। अगला प्रश्न है, यदि पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल कौन सी जगह लगता है? क्योंकि फल वृक्ष पर लगता है और उपरोक्त कथन में वृक्ष को आकाश कहा गया है, यहाँ सीधे सीधे जिसको जो कहा जाएगा उसी को लिया जाएगा, अतः कथनानुसार फल आकाश पर लगता है। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, और आप साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद तथा अगले वीडियो तक नमस्कार।